नमस्कार, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं यदु यादव आप सभी का RSY एकेडमी पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और बच्चों, हम लोगों ने पिछली क्लासेस में भिन्नों के प्रकार के बारे में पढ़ा था, और भिन्नों के प्रकार में हम लोगों ने सम भिन्न, विषम भिन्न, मिश्र भिन्न और आपकी इकाई भिन्न, ठीक है। और इसी तरह से एक आपको मैंने बता दिया था जटिल भिन्न क्या होते हैं। पिछली क्लासेस में आप जाकर के उन्हें आप देख सकते हैं। आज जो भिन्नों के प्रकार में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो वेरी इंपॉर्टेंट हैं बच्चों। जब आप ये पता करेंगे कौन सी भिन्न छोटी है, कौन सी भिन्न बड़ी है, इन भिन्नों को आरोही क्रम में लिखो, इन भिन्नों को अवरोही क्रम में लिखो। समझ पा रहे हैं बच्चों? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम पेपर में आते हैं आपके, कि आरोही क्रम में भिन्नों को सजाओ, अवरोही क्रम में सजाओ, छोटा भिन्न कौन है, बड़ा भिन्न कौन है, है ना। तो इन सब चीज़ों को समझने में बच्चों इसकी ज़रूरत पड़ेगी जो आपको मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ। तो समझना है बच्चों, हेडिंग लिख लें सभी लोग बढ़िया से एकदम। आज के लिए हेडिंग लिखें, सम हर भिन्न है, सम हर भिन्न है। क्या होती हैं सम हर भिन्न है बच्चों, समझना है हम लोगों को। सम हर, सम हर सम माने समान होता है, तो इसका दूसरा नाम उत्पन्न होगा। बच्चों कोई चीज रटी नहीं जाती, हर बात को एक दूसरे से लिंक करके समझा जाता है। जो व्यक्ति एक शब्द से दूसरे शब्द को रिलेट करके, संबंधित करके, उसे जोड़ करके पढ़ता है, पहले चीज को समझ के आगे पढ़ता है, उस व्यक्ति को कभी रटना नहीं पड़ता है। जैसे मैं आपको बताऊं, सम माने क्या है, समान, और हर तो हर ही है, तो इसका दूसरा नाम और बनता जा रहा है, समान हर। यहां पर आप कह सकते हैं भैया ये भिन्न है, और इसी का एक वेरी इंपॉर्टेंट नाम है बच्चों, जो परीक्षा में कई बार आ चुका है, आपकी बुक्स में भी आपको मिल जाएगा, ये सजातीय भिन्न है। क्या होता है बच्चों? सजातीय भिन्न है, ठीक है, इसका नाम। और इसी को इंग्लिश में कहते हैं भैया लाइक फ्रैक्शंस, FRACTIONS, लाइक फ्रैक्शंस, ठीक है भैया, लाइक फ्रैक्शंस। कोष्टक लगाने की जरूरत नहीं है, ना लगाएं इसे, ठीक है। तो सम हर भिन्न, समान हर भिन्न, इसी को सजातीय भिन्न भी कहते हैं, इंग्लिश में लाइक फ्रैक्शंस बोलते हैं। इन सभी नामों को आपको याद करना है, परीक्षा में पता नहीं है वो किस नाम से आपसे क्वेश्चन पूछ दे। तो वेरी सिंपल है बच्चों, जैसा कि आपको नाम से स्पष्ट हो रहा होगा, सम हर जिसके हर समान हो, इन भिन्नों की पहचान है, हर समान होने चाहिए। कैसे होने चाहिए बच्चों? हर समान। जैसे आप समझ सकते हैं, जैसे 2/3, 5/3, 9/3, 11/3, ठीक है। तो जो ये भिन्न आपके सामने लिखी गई हैं, चार भिन्न मैंने आपके सामने लिखी हैं, तो बच्चों ये सम हर भिन्न है, मतलब लाइक फ्रैक्शंस हैं, सजातीय भिन्न है। वेरी सिंपल, पूछेगा सजातीय भिन्न है या नहीं तो आप बता सकते हैं उसे। इसी तरह से बेटा मैं आपको बताऊं, 1/11, 2/11, 7/11, 101/11, यहाँ पर ये 2000/11 लिख दें, तो बच्चों देखो हर सभी जगह समान है, 11, 11, 11, अपॉन में सब चीज़ समान होना चाहिए, हर समान होना चाहिए, तो सम हर भिन्न कहलाती हैं। तो ये जो भिन्न मैंने लिखी है आपके सामने, ये सारी की सारी भिन्न सम हर भिन्न कहलाएंगे, मतलब समान हर भिन्न, मतलब सजातीय भिन्न, मतलब लाइक फ्रैक्शंस कहलाएंगे, ठीक है। लास्ट में एक और एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने लिखता हूं, उसे आप समझें। जैसे 8/5, 7/5, 11/5, इसी तरह से बच्चों 17/5, 23/5, देखिए आप 5, 5, 5, 5, ये हर में हर जगह एक जैसी संख्या लिखी है, समान लिखी है, इसका मतलब सम हर भिन्न हो गई। वेरी सिंपल है। दूसरी हेडिंग सभी लोग लिख लें बच्चों, दूसरी हेडिंग लिख लें, असमान हर भिन्न, असमान हर भिन्न, ठीक है। इसी को असमान हर भिन्नों को विजातीय भिन्न भी कहा जाता है, विजातीय
भिन्न भी कहा जाता है। ये असमान हर भिन्न हो गई, विजातीय भिन्न हो गई, ठीक है भैया। इसी को विषम हर भिन्न भी कहा जाता है, विषम हर भिन्न भी कहा जाता है। और इंग्लिश में इसे बच्चों अनलाइक फ्रैक्शंस बोलते हैं, UNLIKE, और फ्रैक्शंस FRACTIONS, अनलाइक फ्रैक्शंस। क्या बोलते हैं भैया? अनलाइक फ्रैक्शंस, UNLIKE, अनलाइक फ्रैक्शंस, FRACTIONS, अनलाइक फ्रैक्शंस। तो बच्चों इसके भी तीन नाम है, ये समहर था, ये असमान, असमान माने अलग अलग, ठीक है। विजाती माने क्या है? ये यहां सजातीय था, यहां पे विजातीय है। स माने समान, वी माने अलग अलग, और ये विषम हर, विषम माने क्या है? ऑड, ऑड माने क्या है? जो चीज अलग अलग होती है, तो विषम हर भिन्न है। वेरी सिंपल, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, आपको नाम से ही क्लियर है, यहां पर जो हर हैं, जो हर हैं वो असमान होने चाहिए। बच्चों असमान का मतलब क्या है? अलग अलग होने चाहिए, है ना। जैसे बेटा एग्जाम्पल्स मैं आपको बताऊं, पहला जैसे 2/3, 2/11, इसी तरह से 5/9, ठीक है, 6/2। तो देखो हर सभी जगह अलग अलग हैं, अलग अलग है ना, इसका मतलब ये कैसी है? विषम हर भिन्न है, मतलब विजातीय भिन्न है सभी के सभी, ठीक है। इसी तरह से बेटा जैसे मैं आपके सामने लिख दूं 9/7, 7/6, 11/5, ठीक है। इसी तरह से 103/, मान लीजिए 102 लिख दिया मैंने, ठीक है। तो आप देखें यहाँ पर जो हर हैं, ये जो सेकंड नंबर एग्जांपल्स में जो भिन्न मैंने लिखी हैं चार आपके सामने, ये हर सभी जगह अलग अलग हैं। जब हर असमान है तो ये असमान हर भिन्न है, और जब हर समान है तो ये समान हर भिन्न हो गई। वेरी सिंपल। तो ये बच्चों थी सजातीय और ये भिन्न थी विजातीय भिन्न। तो बच्चों इन दोनों भिन्नों को आप बढ़िया से नोट कर लें, फेयर कॉपी पे समझ लें, ये आपकी बहुत काम आएंगी। कैसे काम आएंगी मैंने आपको बताया था, और बढ़िया से पढ़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू।